तो क्वेश्चन ये आपके सामने है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, ये रेशियो का क्वेश्चन है, अनुपात का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो देखो, इस क्वेश्चन में ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, सी अनुपात डी दिया है, और हमें ए बी सी डी का रेशियो फाइंड करना है। ओके, सो ए बी सी डी इस तरह से लिखना। मैं आपको सीधे टेक्निक बता रहा हूँ आपको कैसा करना है। अब यहाँ पे देखो, ए और बी का रेशियो क्या है, ये है 2 और ये है 3। ओके, बी और सी का रेशियो क्या है, 4 एंड 3, तो उनके नीचे लिख देंगे, ठीक है। सी और डी का रेशियो क्या है, 2 5। फाइन, अब हमें करना क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जो भी ये नंबर है, इस नंबर को इधर बढ़ाओ। ओके, यहां पे इस नंबर को इधर करो और इस नंबर को इधर बढ़ाओ, यहां पे इस नंबर को इधर करो, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आपको कहीं और से नंबर उठा के नहीं लेके आना है, वहीं पे जो खाली प्लेसेस हैं वहां पे भर दो नंबर को। तो फाइनली क्या होगा, देखो हमें मल्टीप्लाई करना है ऐसे में, खड़े में। ओके, ऐसे में मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 8 2 16, ये 16 हो गया, 4 3 12, 12 2 24, ये 24 आ गया, ठीक है। 3 3 9 2 18, ये 18 आ गया, और 3 3 9, 9 5 45, ये 45 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, समझ आया? दोबारा समझाऊं? चलो दोबारा समझाता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, ए बी सी और डी लेना है। ए और बी का रेशियो क्या है, यहां पे दिया है 2 3, बी और सी का भी दिया है, तो उन्हीं के नीचे लिख देंगे, ठीक है। बी के नीचे बी का, सी के नीचे सी का, और सी और डी का भी दिया है, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, अब करना यह है कि देखो यहां पे ये खाली जगह, ये खाली जगह, ये खाली जगह है, और ये और ये खाली प्लेसेस, हमें ये सारे भरने हैं, ठीक है। तो देखो कैसे भरेंगे, जो नंबर यहाँ पे है उसी को हम इधर खिसका आएंगे, तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे जो ये नंबर है इसको खिसकाओ इधर, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और इस नंबर को खिसकाओ इधर, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस तरह से जो ये नंबर है इसको यहाँ पे रखो 2, और यहाँ पे 2, तो इनको अब ऐसे में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 4 2 8 2 16, 4 3 12 2 24, 3 3 9 2 18, और 3 3 9 5 45, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे अगर कुछ कटता तो हम काट भी देते, जो सबको काट सकता, लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं है जो सबको काटे, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, कुछ और क्वेश्चन भी मैंने दिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस इसमें अच्छी हो जाए। यहाँ पे हमारे पास ए रेशो बी दिया है, बी रेशो सी दिया है, और हमें ए बी सी का रेशो फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, वैसे लिखेंगे ए बी सी, तो ए और बी के नीचे लिखो पहले, फिर बी और सी के नीचे लिखो, ठीक है, लाइन ड्रॉ करो। अब जो खाली प्लेसेस हैं उन्हें भरो, तो ये जो 4 है ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब जिस लाइन में खाली जगह है वो नंबर वहीं पे फिल हो जाएगा, ठीक है, अपने बगल में आ जाएगा। ये है 5 3 15, 4 5 20, और 4 2 8, और ये फाइनल आंसर है। ओके, सिंपल है, आप दोबारा देख सकते हो वीडियो। तीसरा क्वेश्चन, ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी दिया है, ए बी सी डी का रेशियो फाइंड करना है। देखो मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप खुद करें, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पहले किया है, और उसके बाद आप ये वीडियो कंटिन्यू देख सकते हैं, ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं देखना। तो ये कैसे होगा, देखो ए रेशियो बी है 2:3, बी रेशियो सी है 4:1, और सी रेशियो डी है 3:4। ओके, अच्छा, अब खाली प्लेसेस भरो, तो ये हो गया, देखो यहाँ पे आ गया, ये नंबर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, बगल में 3 3,
ये 4 यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए? ये वाला 3, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कैसे ये सब भरा जा रहा है। एंड फाइनली इनको ऐसे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4 3 12 2 24, 4 3 12 3 36, 3 3 9 एंड 4 3 12 1 12, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओके। अब देखो यहाँ पे बात ये है कि ये चारों के चारों नंबर किसी से कटते हैं, किससे कटते हैं, ये 3 से सारे कटते हैं। देखो 3 8 24, फिर 3 12 3 36, फिर 3 3 9 एंड 3 6 12, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। ओके, अगर कोई नंबर सबको काट सकता है तो काट देते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है ये, अगेन आई वॉन्ट यू टू गिव इट अ शॉट। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे ए बी सी डी ई है, तो ए बी सी डी और ई है। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे। देखो ए बी सी क्या है, 2 3 1, एंड सी डी ई क्या है, 3 4 1। तो अगेन हम क्या करेंगे, सेम टेक्निक फॉलो करेंगे। ओके, तो ये जो 1 है ये यहाँ पे आ जाएगा 1 1, और ये जो 3 है यहाँ पे आ जाएगा 3 3। अब मल्टीप्लाई करो ऐसे में, 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3, 4 और 1, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा कैसे करना है, और बाकी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।